हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम गोपाल जी की पोशाक बनाएंगे। 10 नंबर की सिलाई है। देखिए इस तरफ ऐसे खींच के धागे को रखेंगे, हम ऐसे नोट लगा लेंगे। मैं 18 फंदे डालूंगी 3 नंबर गोपाल जी के लिए। अगर आपके गोपाल जी 4 नंबर के हैं तो आप 20 फंदे कर लीजिए, 5 के हैं तो 22 कर लीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे खींचे हुए धागे को उंगली की सहायता से ऊपर रखना है और इस धागे को ऐसे खींच लेना है। ये धागा हमें खींचा हुआ चाहिए इस तरफ से। ठीक है, देखिए ऐसे सिलाई पे रख के ऐसे धागे को खींच लेंगे। ये अपने पाँव में खींचिएगा धागे को, एक सार हमारे फंदे बनेंगे। मैं आपको 18 फंदे ऐसे डाल के फिर दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए 18 फंदे डाल के मैं 2 सिलाइयाँ ऐसे उल्टी उल्टी निकालूंगी, 4 सिलाइयाँ अपनी सामने से भी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। ठीक है, देखिए मेरी क्रोशे वाली ऊन है इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया, ये बारीक थी। अगर आपकी ऊन ठीक है तो आप सिंगल ही लीजिए। ये उल्टी उल्टी सिलाई हमें ऐसे ही डालनी है, दोनों तरफ से 4 सिलाइयाँ उल्टी डाल के फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरी दोनों तरफ से 2-2 सिलाइयाँ निकल गई हैं, ये 4 सिलाइयाँ हो गई हैं टोटल। अब एक फंदा हम ऐसे उतारेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2। ये मेरे 3 फंदे बन गए हैं, एक हमने उतारा है, 2 उल्टे बनाए हैं। अब ये बीच वाले फंदे हैं, एक बार सामने से बनाऊंगी, उसी फंदे को ऐसे ढीला करके एक बार पीछे से, एक बार सामने से फंदा बनेगा, वही फंदा ऐसे ढीला करके पीछे से, एक फंदे के 2 फंदे बन जाएंगे मेरे। देखिए मैं आपको हर बार ऐसी चोली बनाना बताती हूँ, बहुत आसानी से बन जाती है ये चोली। बीच वाले हम सभी फंदे अपने डबल करेंगे। एक मिनट, देखिए लास्ट में मेरे पास फिर 3 फंदे रह गए। धागा आगे करके 2 उल्टे और धागा पीछे करके 1 सीधा। इस तरफ से जब हम बनाएंगे इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे, बाकी हमारे सभी फंदे उल्टे बनेंगे। लास्ट में आके दिखाती हूँ, उल्टी सिलाई हमारी हर बार उल्टी ही बनेगी। सामने आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, लास्ट वाला फंदा हमें धागा पीछे करके सीधा बनाना है उल्टी तरफ से। जब हम सामने से इसको बनाएंगे तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, आगे के 2 फंदे उल्टे, बीच वाले सभी फंदे धागा पीछे करके सीधे बनाऊंगी। 1 सिलाई फंदा बढ़ाने के बाद हमारी प्लेन निकलती हैं, 1 सामने से, 2 उल्टी तरफ से, ये 3 सिलाई हमारी प्लेन निकल जाती हैं। बीच वाले सभी फंदे मैं प्लेन बनाऊंगी, लास्ट में आके दिखाती हूँ आपको। इसी तरह सिंपल बनाने हैं हमें। ठीक है, देखिए लास्ट वाले 3 फंदे धागा आगे करके 2 उल्टे बनेंगे, धागा पीछे करके 1 फंदा मेरा सीधा बनेगा। जब उल्टी तरफ से बनाऊंगी तो ये जो हमने सीधा बनाया इसको उतारेंगे, बाकी फंदे मेरे उल्टे बनेंगे। फिर मैं आपको सामने आके दिखाती हूँ, लास्ट वाला फंदा भी हमारा धागा पीछे करके सीधा बनता है। ठीक है, दिखाती हूँ आपको लास्ट पे आके। देखिए लास्ट वाला फंदा धागा पीछे करके हम इसको ऐसे सीधा बनाएंगे और जब सामने से बनाएंगे तो इसको हम उतार लेंगे ऐसे ही, बाकी 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 1, 2, 3 फंदे मेरे सीधे। ये मेरे टोटल सिलाई में 6 फंदे हैं। ठीक है, अब हम अपने फंदे फिर बढ़ाएंगे, एक बार सामने से, एक बार उल्टी तरफ से, 6 फंदे सिंपल बना लिए। बीच वाले सभी फंदे डबल बनाऊंगे, लास्ट पे आके फिर दिखाती हूँ। एक बार सामने से उसी फंदे को ढीला करके पीछे से, सामने से उसी फंदे को ढीला करके पीछे से, सामने से उसी फंदे को ऐसे घुमा के सिलाई पीछे से। लास्ट पे आके दिखाती हूँ, सभी फंदे मैं अपने डबल करूँगी। देखिए लास्ट में मेरे पास 6 फंदे रह गए हैं, 3 सीधे, 1 बिल्कुल सिंपल, 2, 3 धागा आगे लाएंगे, 2 उल्टे, 1, 2 लास्ट वाला सीधा। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डालूंगी, फंदा उतार के बाकी सिलाई उल्टी निकलेगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए लास्ट वाला धागा पीछे करके हम सीधा बनाते हैं फंदा। अब ये सिलाई मैं बिल्कुल प्लेन उतारूंगी, आगे से भी पीछे से भी। फंदा बढ़ाने के बाद हम 2 सिलाइयाँ अपनी बिल्कुल प्लेन बनाते हैं, ये सिलाई पूरी बिल्कुल प्लेन उतरेगी, दिखाती हूँ मैं आपको फिर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स फंदा बढ़ाने के बाद हमने सामने से 1 सिलाई उल्टी निकाल ली है,
अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं, सामने के पल्ले की हम एक उतार लिया फंदा, दो तीन चार पाँच छः फंदे रख लेंगे, या हम सात कर लेते हैं, वैसे तो छः भी बहुत हैं, सात फंदे हमने रख लिए। बीच वाले हम अपने दस फंदे कम करेंगे। अगर आप पूरी बाजू की बनाएंगे तो यही वाले अपने दस फंदे आप तीन सिलाइयाँ सामने से तीन उल्टी तरफ से, छः सिलाइयाँ निकल जाएंगी हमारी, दो दो सिलाइयाँ हम सामने बॉर्डर बनाएंगे, ये हमारी पूरी बाजू बन जाएगी सिर्फ दस फंदों की। मैं हाफ बाजू की बनाऊंगी, कम करूंगी इसको, एक फंदा, ये दो फंदे, ये तीन चार, वापस धागा लेके आते हैं, एक आगे से ले लेते हैं, पांच, वापस धागा एक आगे से, छः सात आठ, ये नौ और ये दस। ठीक है, मेरी एक बाजू निकल आई है, देखिए मेरी एक बाजू निकल आई है। अब पीछे जो पल्ला है हमारा उसके फंदे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। हम सामने के देख लेते हैं, दो चार छः सात हमारे सामने के पल्ले की हैं, दो चार छः आठ और दस हमने बाजू के लिए कम करने हैं, हमारे चौदह आए पिछले पल्ले के फंदे। अब हमारे ये दस फंदे हैं, चौदह हमने बना लिए हैं, दो चार छः आठ दस बारह चौदह फंदे हैं। अब दो फंदों में सिलाई डाल के एक बनाऊंगी, वापस फंदा, एक आगे से, दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः सात आठ, ये नौ और ये दस। ठीक है, दो चार छः और एक मेरे सिलाई में है, ये मेरे दूसरे पल्ले के फंदे बन गए हैं। धागा पीछे करूँगी एक सीधा। अब मैं पूरे फंदे ऐसी सीधी सिलाई डाल के, दो सामने से और दो उल्टी तरफ से उल्टी, ऐसी सीधी डालनी है हमें। एक सिलाई हम ऐसी बना लेते हैं, ऐसी पीछे की तरफ से, ठीक है, ऐसी सीधी डालेंगे, उल्टी तरफ उल्टी बनाएंगे, इसे खींच के जोड़ देंगे इसको, और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी, फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, हमारी इकट्ठी हो जाती हैं ये आके यहाँ पे सभी फंदे, चोली हमारी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए ऐसे इकट्ठी हो जाएंगे सभी फंदे, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बना के फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, देखिए हमारी दोनों बाजू निकल गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं घूम के सामने आ गई हूँ, मेरी सिलाई में अब 28 फंदे हैं। डिज़ाइन शुरू करने के लिए मुझे 35 फंदे चाहिए, 35 फंदे, ठीक है, ये 28 फंदे हैं। अब देखिए हम अपने सात फंदे इस सिलाई में बढ़ाएंगे, एक फंदा बना लिया, दो बना लिए, तीन बना लिए, चौथा फंदा हम अपना डबल कर देंगे, एक बार सामने से ऐसे घुमा के पीछे से, एक दो तीन, ये चौथा फंदा हम अपना डबल करेंगे, दो फंदे हमारे बढ़ गए, एक दो तीन, अब ये चौथा फंदा तीन बढ़ गए, एक दो तीन, चौथा फंदा फिर डबल, चार बढ़ गए हमारे, एक दो तीन, अब ये पांच बन गए, एक दो तीन, ये भी छः फंदे हमारे बन गए। एक फंदा हमें और बढ़ाना है, एक दो यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, टोटल हमने सात फंदे अपने बढ़ाए हैं पूरे घेरे में, 35 फंदे हो गए मेरे पास। ठीक है, अब उल्टी सिलाई उल्टी डाल के फिर सामने आके दिखाती हूँ, हम अपना घेरा शुरू करेंगे, डिज़ाइन उल्टी तब से पूरी सिलाई उल्टी निकलेगी, 35 फंदे हैं मेरी अब सिलाई में,
जिनके ऊपर हमें अपना डिज़ाइन शुरू करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हम घूम के सामने आ गए हैं, अब हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा आगे करके धागा पीछे करके एक फंदा हम उतार लेंगे। धागा आगे करके दो फंदे उल्टे बनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा उतरेगा हमारा। धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा उतारेंगे। धागा आगे करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, धागा पीछे जाएगा उतरेगा फंदा, धागा आगे आएगा दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा उतारेंगे, धागा आगे करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे, पीछे करके उतरेगा फंदा, आगे करके धागा दो फंदे उल्टे बनेंगे। ये पूरी सिलाई में हमारे जितने फंदे हैं हम इनको ऐसे ही बना देंगे, एक फंदा उतारेंगे दो उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करके हमें एक फंदा उतारना है, वापस धागा आगे लेके दो फंदे सीधे बनाने हैं। लास्ट में हमारे पास दो फंदे आए हैं। उल्टी सिलाई देखिए, जो फंदे हमने सामने से बनाए हैं वही फंदे हम उल्टी तरफ से बनाएंगे, जो उतारा है वो इसको उतरेगा फंदा हमारा, दो उल्टे एक उतरेगा, दो उल्टे एक फंदा हमारा उतरेगा। जो सामने से बनाए हमें वही फंदे बनाने हैं उल्टी तरफ से, जो उतारा है वो फंदा हमारा वैसे ही उतरेगा। पूरी सिलाई मेरी ऐसी ही बनेगी। अब सामने आ गई हूँ, देखिए कुछ ऐसा डिजाइन आ रहा है। हमने दो फंदे बनाए थे, एक, अब ये अगले वाले के हम फंदे डबल करेंगे, एक बार सामने से उसी फंदे को, एक बार पीछे से दूसरा फंदा हमें डबल कर लेना है। एक बार सामने से वही फंदा ऐसे ढीला करके पीछे से बनाना है, ऐसे धागा पीछे करके ये फंदा पिछली बार हमने उतारा था अब ये हमारा बन जाएगा। धागा आगे करेंगे एक सीधा, एक फंदे के दो बनाऊंगी, एक सामने से ऐसे ढीला करके उसी फंदे को पीछे से, धागा पीछे करके ये फंदा हम सीधा बनाएंगे जो हम उतार रहे थे। धागा आगे करके एक फंदा सीधा, एक फंदे के डबल, धागा पीछे करके ये फंदा सीधा बन जाएगा। धागा आगे करेंगे एक फंदा बनाऊंगी, एक फंदा डबल बनाऊंगी, जो हमने दो उल्टे रखे थे बीच में अब वो हमारे तीन बन गए। धागा पीछे करके ये फंदा सीधा बन जाएगा, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा, इस फंदे के दो बना दूंगी, धागा पीछे करके ये फंदा जो उतारा था ये सीधा बन जाएगा। धागा आगे करके एक सिंपल, एक डबल, धागा पीछे करके ये वाला फंदा सीधा। पूरी सिलाई ऐसे ही बनाऊंगी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अब ये फंदा भी हमारा पिछली तरफ से बन जाएगा, पूरे फंदे बनेंगे उल्टी तरफ से, पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए लास्ट में हमने दो फंदे हैं, एक सिंपल बनेगा एक डबल बनेगा, हर कॉर्नर में हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, कोई फंदा नहीं उतरेगा वो उल्टी सिलाई में, क्योंकि हमने सामने से भी सभी फंदे बनाए हैं और उल्टी तरफ से भी हमारे सभी फंदे बनेंगे, पूरी सिलाई बनेगी। ये सामने आके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं घूम के सामने आ गई हूँ, अब मेरे पास उल्टे फंदे तीन आएंगे, एक हमने बढ़ाया है तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करके ये सीधा हमारा शुरू से ऐसे ही चलेगा, इसको उतारेंगे धागा आगे करेंगे फिर तीन उल्टे, धागा पीछे करके ये वाला फंदा हमें उतारना है, धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह बनानी है, तीन फंदे उल्टे बनेंगे, पहले हमने दो बनाए थे, धागा उतरेगा तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा उतरेगा, बाकी तीन फंदे उल्टे आएंगे। उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये पूरी सिलाई इसी तरह बनानी है, देखिए उल्टी तरफ आ गई हूँ मैं, अब मेरे तीन फंदे उल्टे बनेंगे,
और चौथा फंदा मेरा उतरेगा, तीन फंदे उल्टे, ये चौथा जो सामने से उतारा था वही उतरेगा उल्टी तरफ से भी, चौथा फंदा हमारा उतरेगा, तीन उल्टे एक उतरेगा, तीन उल्टे एक उतरेगा, तीन उल्टे बनेंगे, एक फंदा हम स्किप करेंगे बीच में, तीन उल्टे एक उतारेंगे। सामने आके दिखाती हूँ आपको, पूरी सिलाई मेरी ऐसे ही बनेगी। दो सिलाइयों में ये फंदा उतरता है और दो सिलाइयों में ये बनता है, सामने से भी उल्टी तरफ से भी सेम होता है ये फंदा, ठीक है। सामने आके दिखाती हूँ, देखिए हमारा ये डिज़ाइन ऐसे दिखने लगा है। अब देखिए पिछली सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाया, अब हम अपना फंदा फिर बढ़ाएंगे, एक फंदा बनाएंगे ये बीच वाले, अब मेरे पास तीन उल्टे हैं, बीच वाला एक बढ़ाएंगे हम, एक बार सामने से एक बार पीछे से धागा पीछे करके ये वाला फंदा अब हमारा बनेगा। दो बार ये उतर लिया सामने से भी उल्टी तरफ से भी, अब ये दो बार बनेगा, सामने से भी बनेगा उल्टी तरफ से भी। धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, ये तीन फंदे हैं, बीच वाले को हम डबल करेंगे, ये सिंपल बनेगा, धागा पीछे करके ये फंदा सीधा बनेगा, धागा आगे, एक फंदा सिंपल, बीच वाला फंदा हमारा डबल बनेगा, साइड वाला फंदा सिंपल, धागा पीछे करके ये सीधा बनेगा, जो सीधा फंदा है हमारा वो सीधा बनेगा, एक उल्टा, बीच वाला डबल होगा, ये भी सिंपल बनेगा, धागा पीछे करके ये सीधा बनेगा। अब हम बीच वाला फंदा बढ़ा रहे हैं अपना, ये पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ। अब ये फंदा उल्टी तरफ से भी बनेगा जो अब बना है हमारा, सो ये बीच वाला फंदा मेरा डबल होगा और ये फंदा सीधा बनेगा। उल्टी तरफ आके एक बार दिखा दे, देखिए साइड में मेरे पास तीन फंदे हैं, तीन में से एक सिंपल, बीच वाला डबल और लास्ट वाला सिंपल। देखिए जितने फंदे हैं उल्टी तरफ से हम सभी को बनाएंगे, ऐसे ही पूरी सिलाई सिंपल निकलेगी। जब हमारा सामने से सीधा फंदा बनता है तो उल्टी तरफ से भी हमारी पूरी सिलाई बनती है, ठीक है। अगर वो सामने से उतरेगा तो उल्टी तरफ भी उतरेगा, बस हमें यही ध्यान रखना है, दोनों तरफ उतारना है और जब बनाएंगे तो दोनों तरफ बनाएंगे उस फंदे को, ठीक है। सामने आके दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स मैं घूम के सामने आ गई हूँ। अब मेरे पास ये उल्टे चार फंदे हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले एक फंदा बनाएंगे, पहले हमने इस तरफ वाला फंदा डबल किया था, फिर हमने बीच वाला डबल किया था, अब हम ये वाला डबल करेंगे। एक फंदा बना लिया, अब इसी को डबल कर देंगे इससे आगे वाले को, हर बार हम ये बदल के डबल करेंगे अपना फंदा। अब ये मेरे पास पांच उल्टे बन गए, धागा पीछे ये उतरेगा, धागा आगे, एक फंदा बनाऊंगी एक डबल बनाऊंगी, बाकी इस तरफ से दो सिंपल बनेंगे, धागा पीछे एक उतरेगा, एक सिंपल बनेगा, एक डबल बनेगा, ये दो सिंपल उल्टे बन जाएंगे, धागा पीछे करके एक उतर जाएगा। अब मेरे बीच में ये दो चार छह फंदे उल्टे बन रहे हैं, पहले अब हमारे पास चार हैं, सॉरी एक मिनट, दो चार पांच बन रहे हैं, चार हैं, अब ये पांचवा बन जाएगा, पहले सिंपल, दूसरा डबल, लास्ट वाले दो सिंपल, ये धागा पीछे करके हम इसको उतारना है, ये सीधा चल रहा है फंदा, धागा आगे करके एक सिंपल बनाना है, एक डबल बनाना है और ये दो सिंपल बनेंगे, धागा पीछे करके एक उतरेगा। पूरी सिलाई इसी तरह बनाएंगे, एक सिंपल, एक डबल, दो सिंपल, धागा पीछे करके एक उतरेगा, फिर ऐसे ही बनेंगे, एक सिंपल, एक डबल, दो सिंपल, धागा पीछे करके ये सीधा आ गया, ये ऐसे उतरेगा, ठीक है। पूरी सिलाई ऐसे ही बनेगी, दिखाती हूँ। देखिए मैं घूम के पीछे आ गई हूँ, अब मेरे पांच फंदे उल्टे बनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। ये वाला फंदा सामने से हमने उतारा था, ये सीधा है, ये उल्टी तरफ भी उतरेगा। पूरी सिलाई इसी तरह बनेगी, पांच फंदे उल्टे बनेंगे, एक फंदा हमारा उतरेगा, ठीक है। पांच फंदे उल्टे, तीन चार पांच, एक फंदा उतर जाएगा। ये पूरी सिलाई इसी तरह बना के सामने आके देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत प्यारा डिज़ाइन बन रहा है। अब मेरे पास ये उल्टे पांच हो गए हैं,
अब हम दो फंदे बनाएंगे, एक दो, और ये बीच वाला फंदा हम डबल करेंगे और दो इस तरफ से बनाएंगे। धागा पीछे करके ये फंदा अब हमारा बनेगा, ठीक है। दो फंदे सीधे और दो इस तरफ हैं, ये बीच वाला फंदा हमारा ये हम डबल करेंगे और इस फंदे को धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई ऐसी बनाऊंगी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, धागा उतरेगा नहीं, क्योंकि ये हम इस बार हम ये बना रहे हैं, जब सामने से बनाएंगे तो उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं पूरी सिलाई कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बीच में अब छः उल्टे हो गए हैं, दो चार छः, ठीक है। ये सीधा है, दो चार छः, ये सीधा है। अब हम सबसे पहला फंदा अपना डबल करेंगे। हर बार हमें अपना फंदा चेंज करके डबल करना है, एक तरफ से डबल नहीं करेंगे तो जो हमारी सीधी लाइनें चल रही ये हमारी उल्ट पुल्ट हो जाएंगी। हम हर बार अपना फंदा अदल बदल के चेंज करेंगे, धागा पीछे करके ये उतारेंगे। अब पहले इसको डबल कर लेंगे, सबसे पहले वाले को, एक फंदा डबल, एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक उतारेंगे। सबसे पहला फंदा डबल करेंगे, ये वाले सिंपल बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पीछे करके धागा इसको उतारेंगे, धागा आगे करके एक फंदा सिंपल, एक डबल करके बाकी फंदे सिंपल बना लेंगे। ये पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगे, ये फंदे पाँच मेरे सिंपल बनेंगे, धागा पीछे करके ये उतरेगा, धागा आगे करके एक सिंपल बनेगा, एक डबल बन जाएगा उसके साथ। पहले सिंपल बनाया है हमने, सॉरी, इसके बाद उल्टा बन गया, कोई बात नहीं, पहले सिंपल बना लीजिए, एक दो तीन चार पांच सिंपल बनेंगे, धागा पीछे एक उतरेगा, एक फंदा हमारा डबल बन जाएगा, बाकी के पांच फंदे सिंपल, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे करिए, सीधा फंदा उतरेगा, धागा आगे आएगा, फिर उसी तरह बनेगा। उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम उल्टी तरफ आ गए हैं, अब हमारे सात फंदे उल्टे बनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, ये आठवां फंदा हमारा उतरेगा, ठीक है। सात फंदे सिंपल, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और ये फंदा उतरेगा। पूरी सिलाई उल्टी इसी तरह बनेगी, सामने आके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम घूम के सामने आ गए हैं, अब हमारे उल्टे फंदे दो चार छ और सात बने हैं, ठीक है। अब इन सात में से देखिए, हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, अब ये बीच वाला हम डबल करेंगे, एक बार सामने से उसी फंदे को पीछे से, एक दो तीन उल्टे, धागा पीछे करके ये फंदा हमारा सीधा बन जाएगा, ठीक है। धागा आगे करके एक दो तीन उल्टे, और तीन उल्टे मेरे इस तरफ हैं, ये बीच वाला फंदा एक बार आगे से ऐसे, एक बार पीछे से। अब मेरे पास ये बीच वाले आठ फंदे बन गए, धागा पीछे करके ये फंदा सीधा, ये दो बार उतर चुका है, अब ये तीसरी बार बन जाता है। धागा आगे करके एक दो तीन, और ये बीच वाला डबल, और इस तरफ मेरे तीन फंदे उल्टे हैं। अब मेरे टोटल मेरे आठ फंदे हो गए उल्टे, धागा पीछे करके ये सीधा बनेगा, बाकी सिलाई पूरी इसी तरह बनेगी। देखिए, हमने एक तरफ से नहीं बढ़ाए, कोई बीच में से बढ़ाया, कोई साइड में से बनाया, तो हमारी ये जो लंबी सीधी जा रही है ऐसी सीधी जाएगी। अगर हम एक तरफ से बढ़ाते तो ये गोलाई में आ जाती, ठीक है। इसलिए हमने बदल बदल के अपने फंदे बढ़ाए हैं। पूरी सिलाई इसी तरह बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको, एक दो तीन, तीन मेरे इस तरफ उल्टे हैं, ये बीच वाला फंदा अब हमें डबल करना है। तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, दो तीन, धागा पीछे करके ये सीधा बन जाएगा, ठीक है। पूरी सिलाई इसी तरह बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से मैं पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी, सामने आके दिखाती हूँ आपको, ठीक है।
ये पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। ये सामने आके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दो फंदों से शुरू किया था बढ़ाना, अब मेरे पास ये आठ फंदे बन गए हैं, ठीक है। ये सीधा इसी तरह चल रहा है। अब मैं अपनी पूरी सिलाई उल्टी बना लूँगी, दो सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी निकाल लूँगी, दो सामने से, दो उल्टी तरफ से, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आके, बिल्कुल प्लेन निकालेंगे हम, उसके बाद अपना घेरा बंद करेंगे। इसी तरह हमें सिंपल निकालनी है दोनों तरफ से, सामने से भी उल्टी तरफ से भी। ठीक, दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे अपने बढ़ाने के बंद कर दिए थे, उसके बाद हमने दो सिलाई निकाल ली हैं उल्टी उल्टी, एक दो, दो सामने से, दो उल्टी तरफ से। फंदे हमने बढ़ाने बंद कर दिए थे अपने, अब हम पूरा घेरा बंद कर देंगे, दो में सिलाई डाल के एक बना देंगे। वापस फंदा, एक आगे से, दो का एक, वापस फंदा, एक आगे से, दो का एक। ये पूरे फंदे मैं आपको बंद करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने अपने सारे फंदे बंद कर देने हैं, दिखाती हूँ आप। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी फंदे बंद हो गए, लास्ट वाले दो फंदे हैं, दोनों का एक बनाएंगे, इसे खींच देंगे, एक बार इसको और बना देंगे तो ये हमारा नॉट लग जाएगा, ठीक है। देखिए, हम सिलने के लिए धागा कट कर लेंगे, इसे हम घेरा सिलेंगे। देखिए, बहुत प्यारा हमारा एकदम गोल घेरा घूम के आए हैं गोलाई में, ठीक है। अब ये सुई में धागा डाल के दिखाती हूँ मैं आपको, अपना घेरा सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सुई में धागा डाल लिया है, ऐसे घेरे को उल्टा के यहाँ तक सिलेंगे जहाँ तक हमारी चोली खत्म हुई है। अच्छे से सिल लेंगे इसको, फिर दिखाती हूँ मैं ऊपर तक सिल के आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम चोली के ऊपर डिज़ाइन बना रहे थे। सबसे पहले चोली हमारी बिल्कुल प्लेन है, इसी तरह हम राउंड में घुमाते जाएंगे, ऐसे लंबा खींचिएगा धागे को, लंबा ही रखना है हमें, हाथ भी ऐसे लंबा ही करना है तो हमारा झोल नहीं पड़ता। पूरी चोली पे ऐसे घुमाएंगे, कई बार मैंने आपको बताया है ऐसे। इसके बाद हम दूसरा कलर घुमा देंगे, वो भी ऐसे ही, जैसे हमारी व्हाइट दिख रहा है इसके ऊपर दूसरा कलर घूम जाएगा। कोई भी आप दूसरा कलर घुमाइए, येलो लीजिए जो आप घेरे में लगाएंगे, उसमें से दो कलर घुमा लीजिए। दिखाती हूँ आपको, पूरा राउंड ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लू कलर घुमा लिया बाजू में भी और चोली पे भी, और एक मैंने ये अपनी लड़ी भी भर ली है। मेरी सुई में धागा बच गया था ब्लू कलर का, अब मैं मजेंटा कलर घुमाऊंगी, सेम उसी तरह घुमाएंगे, थोड़ा दूर दूर घुमाएंगे, ताकि हमारा थोड़ा थोड़ा मजेंटा कलर भी हमारी चोली के ऊपर आ जाएगा। देखिए, बस हमें आगे आगे बढ़ते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है इस धागे को, वरना ये शेप चेंज हो जाती है हमारी। देखिए, एकदम ऐसे ही घुमाऊंगी मैं, बाजू में भी ऐसे ही घुमाया है और ये पिंक भी घुमाऊंगी, ठीक है, दिखाती हूँ आप। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चोली कंप्लीट हो गई है, दोनों कलर हमने घुमा लिए हैं। अब देखिए, हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, सुई में नीचे टांका लगा के ऐसे ऊपर लेके आना है, धागा ऐसे बाहर आगे की तरफ रखेंगे और ऐसे सुई को ले आएंगे। देखिए ऐसे, दोबारा धागा ऐसे सामने ही रहेगा हमारा, थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिए इसको, वापस धागा वहीं पे डालना है, धागा आगे रख के ऐसे हमें सुई को खींच लेना है। धागा आगे रखेंगे, वापस वहीं पे धागा डालेंगे जहाँ से पहले निकला है, वरना हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ऐसे खींच लेंगे, धागा आगे रहेगा, ऐसे आगे रख के धागा वहीं पे निकालेंगे। देखिए, धागा यहाँ से निकला है, और टांका भी ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, छोटा छोटा टांका लेंगे। देखिए ऐसे, एक बार और देखिए, ऐसे वहीं पे धागा डालना है हमें, और थोड़ा दूर आगे जाके हमें सुई पे निकाल लेना है।
जितनी भी हमारी ये हमने कोर बनाई है धागा उतार के उन सब के ऊपर हम ऐसे डिज़ाइन भर देंगे। ये देखिए ठीक है, धागा अंदर करके नोट लगा देंगे और कट कर देंगे। एक कलर हमने यहाँ पे लगाया, अभी हमारा सुई में धागा है, नोट लगा के हम इसको थोड़ा इस तरफ ले आते हैं, इन दो को छोड़ देंगे और कलर लगाएंगे, यहाँ पे ले आते हैं। जितने भी हमारे हैं हमें अलग अलग कलर से भरने हैं, ऐसे छोटा छोटा टाँका लगाएंगे। धागा छोटा ही रह गया मेरा, धागा आगे चाहिए हमारी सुई के। ये देखिए ऐसे, ठीक है ऐसे आगे धागा होगा, वापस हमें वहीं पे धागा डालना है जहाँ पे हमारी सुई निकलती है। ये देखिए ऐसे वापस वहाँ पे धागा डालेंगे, ऐसे सामने रख के जहाँ पे पहले निकला है उसको ऐसे खींच लेंगे। मेरा धागा निकल गया, दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स हमने घेरे के ऊपर ऐसे बना लिया है, ये लास्ट वाला रह गया है। ऐसे सुई को निकालेंगे, जो हमने उल्टी सिलाई डाली है एक, उसके ऊपर से धागा आगे रख के ऐसे बनाते जाना है हमें। फिर धागा आगे रखेंगे, जहाँ पे निकाला है वहीं पे दोबारा बनाएंगे। और ये जो हमने एक फंदा सीधा उतारा था इसके ऊपर ही हम डिज़ाइन बना रहे हैं। धागा आगे रहेगा हमारा, सुई निकाल के ऐसे जंजीर से बनाते जाना है हमें। धागा ऐसे आगे रख के जितने कलर हम अपने घेरे पे नीचे लगाएंगे वही कलर है मेरे पास ये सभी। देखिए ऐसे धागा हमारा आगे होना चाहिए ताकि हम सुई निकाले तो ऐसे जंजीरी बन जाए। ये देखिए ठीक है, थोड़ा लास्ट में ऊपर तक लेके जाएंगे इसको। ये देखिए ऐसे अब नीचे ऐसे उसके आगे से ऐसे सुई नीचे लेके नोट लगा के इसको कट कर देंगे। अब जहाँ पे हमने जोड़ लगाया था शुरू में एक हम यहाँ पे बना देंगे इसके ऊपर जोड़ के। ठीक है दिखाते हैं आपको। देखिए एक लास्ट रह गया हमारा, ब्लू कलर से बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे हमने जोड़ डाला था सेम उसके ऊपर बनाएंगे, धागा ऐसे आगे रख के एकदम सीध में बना देंगे। ऐसे ही बनाते जाना है हमें, जोड़ भी हमारा अंदर छुप जाएगा और डिज़ाइन भी एक सार बन जाएगा हमारा। ठीक है ऊपर तक बनाएंगे एकदम। देखिए एक सार हो गया हमारा। अब सुई हम बाहर की तरफ ऐसे नीचे ले आएंगे, नोट लगा के इसको कट कर देंगे। अब लास्ट में घेरे पे डिज़ाइन बनाएंगे वो दिखा देती हूँ आपको। ठीक है देखिए फ्रेंड्स लास्ट में घेरे पे डिज़ाइन डालने के लिए मैंने सिलाई में एक कलर के 15 फंदे डाल लिए हैं। ठीक है अब मैं इन 15 फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बनाऊँगी, दो सिलाइयाँ एक सामने से और एक उल्टी तरफ से। ठीक है ऐसी उल्टी उल्टी बनानी है हमें दो सिलाइयाँ। ये 15 फंदे डाले हैं मैंने, देखिए मैं अपने पोशाक में कई कलर लगाने वाली हूँ, तीन चार, किसी भी कलर से शुरू कर लीजिए आप। पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी और उल्टी तरफ से भी मेरी पूरी सिलाई उल्टी बन जाएगी। फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है ये पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, देखिए मेरी दो सिलाइयाँ बन गई हैं उल्टी उल्टी। अब मैं दोबारा सामने आ गई हूँ घूम के, ऐसे सीधे बनाएंगे एक बार आगे से उसी फंदे को ढीला करके पीछे से।
एक फंदे के दो फंदे बनाने हैं मुझे, एक बार सामने से उसी फंदे को ऐसे ढीला करके पीछे से, एक सामने से फंदा उसी फंदे को ढीला करके पीछे से, एक सामने से उसी फंदे को ढीला करके पीछे से। जितने मेरे फंदे हैं 15 फंदे हैं, मैं 15 फंदों को डबल बना दूंगी, ये 30 फंदे बन जाएंगे मेरे, ठीक है। जितने फंदे डाले थे उनके डबल बन जाएंगे सभी फंदे। देखिए 15 से मैंने 30 फंदे बना लिए अपने, सभी फंदे डबल कर दिए हैं, एक बार आगे से एक बार पीछे से, एक बार आगे से एक बार पीछे से। तीसरी सिलाई है मेरी, दो सिलाई हमने उल्टी डाली दोनों तरफ से, ये देखिए मेरे सभी फंदे अब डबल हो गए, ठीक है। अब मैं उल्टी तरफ से जितने फंदे बनाए हैं सभी को कम कर दूंगी, दो में सिलाई डालूंगी एक बना दूंगी, दो में सिलाई डालूंगी एक बना दूंगी। वापिस फंदा एक आगे से दो का एक, वापिस फंदा एक आगे से दो का एक, वापिस फंदा एक आगे से दो का एक। जितने मेरे फंदे हैं सभी मैं आप कम करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है। आराम से हमें सभी फंदे कम करने हैं, 15 फंदे डाले थे 30 बन गए। अब मैं सभी फंदे अपने कम कर दूंगी, बस पांचवी सिलाई में कम हो जाएंगे, और कोई काम नहीं हमारा, इतना ही काम है, ठीक है। देखिए लास्ट वाले फंदे को दो का एक, इसको एक बार और बनाएंगे तो हमारा ये नॉट लग जाता है, ठीक है। अब मैं लंबा धागा कट करूंगी, सुई में डाल लूंगी, सुई ये धागा मैं आपको सुई में डाल के फिर दिखाती हूँ। देखिए हमारा ऐसे राउंड तैयार हो गया है, अलग अलग कलर के हमें ऐसे कई काफ़ी ज़्यादा राउंड चाहिए। देखिए जो भी आप कलर लगा रहे हैं येलो कलर के हैं, ये कॉफी कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये पिंक है, जो भी आपके पास कलर हैं। देखिए बची हुई उनसे भी आप इनको बना सकते हैं। सभी हम ऐसे गोले तैयार करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, 15 फंदे डाल के दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डालनी हैं, सामने आके सभी फंदे हम डबल करेंगे, उल्टी तरफ आके उन फंदों को कम कर देंगे, बस, ठीक है। दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला गोला तो मैं जोड़ दूंगी, ऐसे नोट लगा के अच्छी तरह से इसको मैं ऐसे जोड़ लूंगी राउंड पूरा। ये हम सीधी तरफ देखेंगे हमारे गोले किस तरफ है सीधे, ठीक है। अब इसके साथ मैं अगला कलर लगाऊंगी, कोई भी लगाइए आप, ये मेरा सीधी तरफ है, ऐसे देख के इसको ऐसे अंदर डालना है हमें, धागा ऐसे नीचे अंदर लेके जाऊंगी। देखिए ऐसे हमने डाल लिया इसको, इसको ऐसे सीध में लगा के ला के ऐसे नीचे लेके जाऊंगी। यही धागा हम ऐसे ले आएंगे, इस धागे के साथ हम ऐसे नोट लगा देंगे इसको। ये एक तरफ से खुला हमने सिलाई से बनाया है, क्रोशिए से हम दूसरी तरह बनाते हैं इसको, तो हमारा ये जुड़ा होता है। बस हमें दो दो टांके ऐसे लगा देने हैं, ठीक है। ऐसे नीचे कर देंगे जो हमारा जोड़ आएगा। अब देखिए मैं दूसरा कलर उठाऊंगी इसके पास, अगले वाला कोई भी आप कलर लेना चाहते हैं वो लीजिए। ऐसे सीधा देखेंगे हम इसको, ऐसे अंदर करेंगे, अंदर ले आएंगे। ये धागा हम वापस नीचे लेके जाना है हमें, क्योंकि कलर एक ही रहेगा धागे का, सभी में इसी को टांका लगेगा। ऐसे जोड़ नीचे कर देंगे इसको, ऐसे थोड़ा नीचे ले आएंगे, यहाँ पे हमारा दूसरा टांका लग जाएगा। धागा हमारा ये ढीला रहेगा जिससे हम टांका लगा रहे हैं, ज़्यादा खींचेंगे नहीं पीछे से हम इसको, वरना ये झोल पड़ता जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे तीन हो गए। अब आगे वाला कलर देखिए कौन सा लगाएंगे हम, पिंक लगा लेते हैं।
जो भी आपको कलर ऐसे अच्छा लगता जाए। धागा आप पहले नीचे कर लीजिएगा अपना, ऐसे नीचे लेके आएंगे, ऐसे घुमा देंगे इसको। अब इसमें हम ठीक है, ऐसे लंबा धागा हमारा आगे आएगा पीछे से, ये धागा हमें ऐसे खींचना नहीं है ज़्यादा, वरना हमारा ये खुलेगा नहीं ऊपर से। ऐसे नोट लगाते जाएंगे हम, जितने हमने गोले तैयार किए हैं सभी को ऐसे नोट लगा लगा के बीच डालेंगे। वापस धागा नीचे लेके जाना है हमें, ठीक है। देखिए हम इसी तरह लड़ी तैयार करेंगे, ये जो हम टांका लगा देते हैं इसको ऐसे घुमा देना, हमें आसानी से घूम जाएगा। ये धागा हमें लूज ही रखना है, ठीक है, ये नीचे रहेगा तभी हमारे ये राउंड में ऐसे घूमेंगे। कलर हम अलग अलग लगाते जाएंगे और इसी तरह हम नोट लगाते जाएंगे, ऐसे अंदर डालेंगे नोट लगा देंगे, इसके बाद अलग कलर लेंगे। जितने भी आपने बनाए हैं बस इसी तरह हम एक ऐसी गोल राउंड में तैयार कर लेंगे इनको, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है कलर उसके बाद वो लगा लीजिए। ऐसे ही डालते जाना है हमें और टांके लगाते जाना, हमारी एक लंबी लड़ी तैयार हो जाएगी। दिखाती हूँ आपको, देखिए फ्रेंड्स हम ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे डालेंगे, ऐसे टांका लगा देंगे। अलग अलग भी हम टांके लगाएंगे तो भी हमारा ठीक रहेगा, ऐसे हमारा धागा ज़्यादा लंबा आ रहा है पीछे। अच्छे से ऐसे टांका लगा देंगे और नोट लगा के कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको ऐसे घुमा देंगे जो जोड़ है हमारा, उसके बाद हम अपना अलग कलर लेंगे जो भी हम लगाएंगे आगे। ऐसे लगा के इसको हम नोट लगा के पक्का कर देंगे, दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स हमारी एकदम गोल राउंड में घेरा पूरा हो गया है, जो हमने अंदर घेरा तैयार किया था ऐसे मिला के देखेंगे। ये जोड़ हमें अंदर बना गोल घुमा के कर लेने हैं, थोड़ा सा ऐसे ऊपर आएगा हमारा ये, ऐसे लास्ट में हम इनको जोड़ लगाएंगे। कोई भी कलर आप एक ले रहे हैं लास्ट के लिए, ठीक है। देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, इस तरफ से इसके अंदर ऐसे क्रॉस करेंगे और ऐसे इसके अंदर से ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से कीजिएगा, हमारे सभी डिज़ाइन ऊपर हैं और इसके अंदर से ऐसे क्रॉस करके ये देखिए, ठीक है, एक सार आ जाएगा हमारा। यहाँ पे हम इसको ऐसे टांका लगा देंगे। पहले आप देख लीजिएगा आपका राउंड कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा झोल नहीं पड़ना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसे टांका लगा देंगे। दिखाती हूँ आपको ये टांका लगा के मैं, देखिए ऐसे टांका लगा देना हमें दोबारा, नोट लगा के इसको पक्का कर देंगे, ठीक है। देखिए हमारा एकदम गोल घेरा घूम के आ गया है, थोड़ा सा हमें ऐसे ढीला करके इसके ऊपर रखना है इसको, ठीक है। व्हाइट कलर का धागा डाल के पहले हम पिन के साथ ऐसे सेट कर देंगे, फिर इसको हम टांका लगा देंगे, ठीक है। दिखाते हैं आपको, देखिए फ्रेंड्स एक सार करके हमें ऐसे रखना है, ऐसे हमें पिन के साथ सेट कर देना है ताकि हमारे बार बार हिले ना, हमें आसानी रहे टांका लगाने में। पिन होगा आपके पास, सुई होगी, कुछ भी होगा, ऐसे अच्छे से सेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से टांके इसमें पिन लगा दिए हैं, अब सुई में धागा डाल के हम इनको ऐसे सिलते जाएंगे। ऊपर छोटा टांका लेंगे, नीचे से ऐसे तिरछा लेके आगे आ जाएंगे, ऊपर ऐसे छोटा टांका लेंगे, ऐसे तिरछा लेके आगे आ जाएंगे, हमारी आराम से सिल हो जाएंगे।
ठीक है, ऐसे राउंड में हम आराम से सभी को सिल लेंगे। इसीलिए हमने पहले स्पिन लगा लिए थे ताकि हमारा कोई हिले ना। देखिए अच्छे से ये नीचे से ऊपर एकदम घेरे के साथ सिल देंगे। अब चाहे तो दोबारा एक और हाथ घुमा लीजिए, जो रह गए वो अगली बार में सिल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नीचे से भी हमारा ये अच्छे से टांका लग रहा है। इसी तरह राउंड में आपको सिल के दिखाती हूँ। जितने हमारे जोड़ हैं पहले हमने अंदर छुपाना है सबको घुमा घुमा के। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमारा एकदम गोलाई में घूम के घेरा आया है, सभी हमारे जुड़ गए हैं। ऐसे उठा उठा के देख लीजिएगा, आपको कहीं दूर लगे तो ये हाथ आप एक बार और दोबारा घुमा लीजिएगा इसी सुई के साथ ऐसी। ठीक है, नीचे ला के हम कट कर देंगे। अच्छे से नोट लगा देंगे हाथ के साथ, ऐसे खोल सी लेंगे इसको, ऐसे खोल सी के फिर हम अपनी सुई कट करेंगे। अब लास्ट में घेरे पे डिज़ाइन बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमें दो मुंह वाली सिलाई चाहिए जिसका दोनों तरफ मुंह है। इससे हम जेंट्स स्वेटर के गले बनाते हैं। ऐसे उठाएंगे, ये सीधी तरफ है, ये उल्टी तरफ है। कहीं भी इसे शुरू कर लीजिए, कहीं से भी आप। ठीक है, इसे साइड में से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने वाइट कलर का धागा बांधूँगी, सिलाई के ऊपर से घुमा के अंदर ले आइए, इसमें नोट लगा देंगे। देखिए मेरे क्रोशे वाली ब्रेक ऊन थी इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया है। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे फंदे उठाने हैं हमें उल्टी, ऐसे अंदर से सिलाई डाल के बाहर की तरफ। एक, सॉरी ये देखिए, एक थोड़ा आगे जाएंगे, दो पास पास में उठाने, ज़्यादा दूर नहीं उठाएंगे, तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, सात, ये आठ, अगला कलर आ गया हमारा उसके ऊपर उठाएंगे। देखिए ऐसे फंदे उठाएंगे हम, आठ आठ हमने आधे में से शुरू किया था, दिखाती हूँ आपको कितने उठेंगे। सॉरी, एक मिनट में उठा के दिखाती हूँ आप। देखिए फ्रेंड्स मेरे आठ आठ भी उठे हैं, नौ नौ भी उठे हैं, एक थोड़े से सात सात भी, जितने उठते हैं आराम से उठा लीजिएगा। अब देखिए दो मुख की सिलाई है, इस तरफ से हम फंदे उठा रहे हैं, इस तरफ हम वापस इस सिलाई को लेके आएंगे। हमारी सिलाई के दोनों तरफ मुंह है, यहाँ पे हम अपना अलग धागा बांध लेंगे। ठीक है, अलग धागा बांध लिया। अब देखिए ये जो हमने फंदे उठा रहे हैं अब हम इनको बंद कर देंगे पिछली तरफ से, ये हमारी कोर बन जाएगी ऊपर घेरे पे। दो में सिलाई डाल के एक बिल्कुल ढीले हाथों से बंद करेंगे, झोल ना पड़ जाए। इसलिए हमने दो मुंह वाली सिलाई ली है, सामने से उठाएंगे और उल्टी तरफ से उनको बंद करते जाएंगे। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं पोशाक को तो भी ठीक है, ऐसे ही रख लीजिए, ऐसे भी अच्छी लग रही है ये। ये कोर नहीं बनाना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं दिखा देती हूँ आपको कैसी लगेगी ये कोर बन के। ठीक है, सामने से हम इस तरह से फंदे उठा रहे हैं और दूसरा धागा बांध के हमने फंदे कम कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने अपने फंदे कम करके ऐसा डिज़ाइन आया है, बहुत प्यारा बन रहा है। देखिए हम दोबारा फिर फंदे उठाएंगे, ऐसे हम थोड़े थोड़े फंदे उठाते जाएंगे और दो फंदे हैं हमारी सिलाई में, एक फंदा पीछे हमने धागा बंद करके इसको कम कर दिया। अब और ऐसे ही आगे से उठाते जाएंगे बस, तो देख के उठाइएगा। एक थोड़ा हमारे आठ आठ भी उठ रहे हैं फंदे, सात भी आ रहे थे एक तरफ, आराम से एक साथ उठा लीजिएगा। सामने से उठाएंगे, पीछे धागा है हमारा, सिलाई को इस तरफ धकेल के हम उनको बंद करते जाएंगे। ये हमारी लास्ट पे कॉर बन जाएगी।
ये सुई बारीक है, बढ़ जाती है हाथ में सिलाई। ये देखिए ठीक है, 2, 4, 6, 8 फंदे उठ गए। अब हमारा दूसरा कलर अपने आप आगे आ रहा है, इसी तरह हम फंदे उठाते जाएंगे, काफ़ी फंदे हो जाएंगे ऐसे आगे करके, पीछे से इन फंदों को हम कम कर देंगे। दो में सिलाई डाल के एक बना देंगे हम, पूरा ऐसे घेरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। बड़ा प्यारा हमारा लास्ट पे डिज़ाइन बन रहा है। अगर आप लास्ट में मोती लगाना चाहते हैं तो ऐसे ही मोती लगा दीजिए, वाइट कलर के, थोड़े बड़े लगाइएगा, ठीक है। देखिए हमारा एक सर काम होता जा रहा है, बड़ा प्यारी हमारी पोशाक बनेगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पूरे फंदे उठ गए हैं, लास्ट में हम घूम के वहीं पे आ गए हैं। ऐसे उठाएंगे फंदा, ठीक है, और इसको ऐसे कम कर देंगे, बिल्कुल जोड़ के उठाएंगे फंदे को। हमारा ये घेरा कंप्लीट हो गया है, ऐसे खींच के एक बार और बना देंगे तो ये नोट लग जाएगा। थोड़ा बड़ा कट करेंगे, इसको हम धागे को अंदर छुपा देंगे, ठीक है। ये पीछे वाला धागा है, इसको भी कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत प्यारी हमारी पोशाक बनी है, होली स्पेशल ड्रेस। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।